गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग मैं करता हूँ बाहर से स्टार्ट, क्योंकि आज मैं आया था कहीं, तो आज हमारे इधर ही सही में थोड़ा पुल बन रहा था। ये जो मेरे पीछे पुल देख रहे हैं ये बन रहा था, तो मैं चलो जाते हैं देखाते हैं कैसा है कैसा नहीं। पुल तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। देखो अभी इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। चलिए फिर भाई साहब, मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ऊंचाई थी, पर चढ़ने के लिए रास्ता नहीं था। चलो फिर भी मैं चढ़ ही गया। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं पुल की जो लंबाई है वो बिल्कुल करीब करीब 300 मीटर तक है। हाँ 300 मीटर तक है, और पुल भी इतना खुला बना है ना, कोई हिसाब ही नहीं। दो गाड़ियाँ तो मज़े से आ जाती हैं इधर। देख सकते हैं मेरे पीछे, इधर से व्यू भी कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए फिर पुल के उस साइड चलते हैं, उस साइड देखते हैं क्या है क्या नहीं। अभी मैं अपनी बाइक पे बैठ चुका हूँ और हम जा रहे हैं। आप देख सकते हो ऊपर से नज़ारा, अभी तक इसका काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चल रहा है अभी। तो की दूसरी साइड आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं एक चीज़ मैंने जो आपको दिखानी है वो अगर आप देखोगे ना तो आपको पता लग चल जाएगा क्या चीज़ दिखाने वाला था मैं। तो अभी देखो मैं यहाँ कितनी हाइट पे हूँ, बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ मैं। आप देख सकते हो नीचे जो मैं चीज़ दिखा रहा था वो आप सामने देख सकते हो, जो सफ़ेद कलर का घर दिख रहा है ना आपको, वो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल ही पुल के सामने है। उधर आप पुल देख सकते हो और वो सामने सामने ही घर है। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि हम आए थे कहीं और जाने के लिए, तो पहले इधर आ गए, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बाबा हरे पीर। हाँ तो हम जा रहे हैं बाबा हरे पीर, उधर उधर चल के मिलते हैं अभी आपको। तो मैंने सोचा कि पहले इधर बन रहा है तो इधर भी देखते हैं क्या चक्कर है, तो अभी हम उधर जाएँगे सीधा, तो उधर जा कर मिलते हैं आपको। तो चले फिर गाइस, अभी हम आ चुके हैं पुल देख के, तो अभी हम जा रहे हैं हरा पीर, तो हरे पीर जाके मिलते हैं अभी आपको, उधर का फुटेज दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बाबा हरा पीर जी की जगह है, तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे, तो हम सबसे पहले जाएंगे स्नान करेंगे नदी में, चमका नदी में हम स्नान करेंगे, तो उसके बाद आएंगे फिर बाबा जी के दर्शन करेंगे। तो चलो फिर चलते हैं, पहले बाबा नदी में स्नान करते हैं, फिर आते हैं इधर बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे जाके। कि मैं अभी आ चुका हूँ चमत्कारी नदी के पास, तो यही बाबा जी की बाबा हरा पीर जी की नदी है। तो जो मैंने सबसे पहले आपको उधर जाके दिखाया था ना पुल से जो नदी क्रॉस हो रही थी, वो यही नदी है, यही आके मिलती है वो, यानी कि एक ही नदी है, इधर से क्रॉसिंग होती है। तो इधर मेरे पीछे पुल है और आप देख सकते हैं इधर बाबा जी हरा पीर ऊपर है। तो सबसे पहले हम नहाएंगे तो फिर अंदर जाएंगे, तो चलो फिर नहाते हैं, नहाने लगे हैं, तो नहा के मिलते हैं फिर आपको। देख सकते हैं हॉल,
चलिए फिर पहले प्रसाद लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। पार्कें भी हैं, अगर आप आते हो तो फ्री टाइम में अगर हो तो बाबा जी के दर्शन करने ज़रूर आना। और इधर पार्कें भी हैं, मैं आपको पार्क भी दिखाता हूँ, तो आप पार्क में बैठ भी सकते हो, घूम भी सकते हो और दुकानें भी लगी होती हैं उधर। तो इधर ज़्यादातर ना लोग 3 दिन ही आते हैं, मैं आपको बता दूँ, एक एतवार और एक मंगलवार और एक वीरवार। वीरवार को जहाँ रश होता है, और तीनों दिन ही रश होता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इधर। तो पार्क भी है, झूला भी लगा हुआ है, एक झूला भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए फिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक झूला भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पार्क देखने के बाद ये अंदर इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, तो देख सकते हैं आप दुकानें भी लगी हुई हैं, और अगर आप पीछे देखें तो इधर भी दुकानें लगी हुई हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे दुकानें भी लगी हैं, खाने पीने की दुकानें भी लगी हैं। तो ये देखिए अभी हम आ चुके हैं पार्किंग में, बाबा जी की पार्किंग बिल्कुल रोड के सामने ही है, जो ऊपर रोड है और ये पार्किंग है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा हरा पीर जी की दरगाह है। तो अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, तो मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ बाबा जी के बारे में कुछ थोड़ा सा। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं बाबा जी की दरगाह पर, तो जहाँ पर अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगोगे तो आपकी मुराद पूरी होगी। तो अगर आप घर में फ्री होते हो तो कभी आना लगाना चक्कर बाबा जी की जगह पे। तो मैं आपको बता दूं कि अब बाबा जी के जहाँ पर मेला भी आ रहा है, तो जून के दूसरे हफ्ते में जो वीरवार आता है, तो उस दिन जहाँ पर बाबा जी के मेला होता है, तो जहाँ वो 14 को 15 को 16 को कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो, तो आना जून के दूसरे हफ्ते में वीरवार के दिन ही आना होता है। तो आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो बाबा जी का मेला होगा, एक हफ्ते पहले ही दुकानें लग जाएंगी। तो जहाँ इतना रश होता है ना कि वीरवार जहाँ जब बाबा जी का मेला होता है, अगर आप आओगे ना आप देखना, लोग ही लोग दिखाएंगे, दुकानें ही दुकानें, झूले ही झूले आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो फुल इन्जॉय करना और बाबा जी की जगह पर आना कभी अगर टाइम मिले तो टाइम। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।